चाहिए, मुझे वो चाहिए। तो ये चाहिए? नहीं चाहिए कछु और, मुझको पूरी चाहिए। दे 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 रे भूतनिया, मुझको पूरी चाहिए। की है विशेष अतिथि के रूप में हमारे ब्रजेश उपाध्याय, शिवसागर नगर पालिका के प्रेम सरोज शर्मा और हमारे तमाम क्षेत्रीय यहाँ क्षेत्र में उपस्थित हैं। और ये बड़े उत्साह का विषय है कि ब्राह्मण एकता और अखंडता के लिए भगवान परशुराम की शोभा यात्रा निकाल रहा है। ये कार्यक्रम आगामी यहाँ से चलकर लालबंद चौराहे होते हुए और जोड़ा चौराहे होते हुए भगवान परशुराम स्वर पर पहुँचेगा। काफ़ी रस और यात्राओं के साथ में, बैंड बाजों के साथ में सभी यात्री भगवान जय जयकार के नारे लगा रहे हैं और पूरा फरियाबाद जनपद परशुराम में हो गया है। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः मैं सभी ब्राह्मण समाज के लोगों का हार्दिक स्वागत और वंदन करता हूं जिन्होंने शोभा यात्रा में पूर्ण रूप से भाग लिया है। किस तरह की शोभा यात्रा निकाली जा रही है? बहुत अच्छी शोभा यात्रा फिरोजाबाद में निकाली जा रही है। फिरोजाबाद बिल्कुल परशुराममय हो गया है। कल टूंडला में निकाली गई थी, टूंडला में बहुत अच्छी शोभा यात्रा निकली और आज यहाँ भी विप्र बंधु बहुत इकट्ठा है। बहुत खुशी हो रही है और बहुत उनका हम भी लोग भी अभिनंदन करते हैं। आज जो शोभा यात्रा निकाली जा रही है, आज पूरा समाज हमारा एकत्रित है और इसी तरह से एकत्रित रहेगा। बहुत खुशी हो रही है आज फिरोजाबाद में। आज ब्राह्मण समाज ने एकता दिखा दी है, इसी प्रकार से हमारा ब्राह्मण समाज एकत्रित रहेगा और हर कार्य में उनका हमारा सहयोग रहेगा। परशुराम भगवान ने जिस प्रकार से हमारे को शस्त्र और उसका सहयोग दिया है और हमारे साथ में हमारे ब्राह्मण समाज एकत्रित है, उसी प्रकार से आज शोभा यात्रा में भी पूरा ब्राह्मण समाज परशुराम भगवान के उसमें रंग गया है और इसी प्रकार से रंगता रहेगा और एकता रहेगी और सभी पार्टियां हमारे साथ। भगवान परशुराम की आज हम जयंती निकाल रहे हैं। संपूर्ण ब्राह्मण समाज और सर्व समाज को लेकर के, ब्राह्मण समाज ही एक ऐसा समाज है जो सर्व समाज को लेकर के चलता है। हम सारे समाज को लेकर के यहाँ चल रहे हैं और सबकी मंगल कामना करते हैं और हमने जो भी समाज के अंदर बुराइयाँ हैं उन्हें दूर करने का आह्वान किया है। इसी के साथ हमारी परशुराम यात्रा आज ये चल रही है। जय भगवान परशुराम।